किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है अपने कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का अपनी पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मात्रक अथवा इकाइयां। मात्रक और इकाइयों की यानी कि यूनिट्स के अब तक की सबसे शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक विशेष सूचना है साथियों आप लोगों के लिए। यदि आपको डेली क्लास के पीडीएफ चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए और अपकमिंग क्लास के कोई भी आप लोगों को अपडेट्स चाहिए साथियों, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है अपनी पाठशाला यूपी एग्जाम, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी कुछ चीजें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाने वाली है साथियों, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं यूपी पीएससी आयोग की, चाहे पीसीएस परीक्षा की बात करें, चाहे हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा की, तो ध्यान रखिएगा यूनिट से यानी कि मात्रक अथवा इकाइयों से कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार तर्कस बैच की यहां पर जो यूट्यूब की साथी क्लासेस चल रही हैं उसकी टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे हिस्ट्री की क्लास की टाइमिंग साथी थोड़ी सी चेंज हुई है, वो क्लास अब चल रही है सुबह में 7 बजे, लेकिन 8 बजे आप मुझसे मुलाकात करते हैं, यानी कि 8 बजे विज्ञान विषय की क्लास आपकी चलती है। प्रगति मैम की पॉलिटी की क्लास होगी सुबह में 9 बजे, दिव्या मैम आपसे मिलेंगे सुबह में 10 बजे ज्योग्राफी के साथ, और सुमन मैम हिंदी विषय के साथ आपके साथ जुड़ने जा रही हैं सुबह में 11 बजे। चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग कॉपी और कलम तैयार कर लीजिएगा ताकि बताई गई महत्वपूर्ण बातों को आप लोग नोट भी करते चलिएगा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद चल रही होगी। पूरा मेहनत, पूरा लगन, पूरी ईमानदारी से आप लोग कार्य कर रहे होंगे। रिंकू जी, पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है, बहुत जल्द आज या कल में सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो बताइए, तैयार है ना आप सभी लोग? बताइए क्या आप तैयार हैं साथियों आप सभी लोग? पहला प्रश्न लगने जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न लग चुका है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कोलोम, गॉस या स्टेरेडियन। सी कह रहा है सेल्सियस ग्रेड सेकंड। ऑप्शन नंबर बी कह रहा था कि सेल्सियस ग्रेड व सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सेंटीलीटर, गैलन व सीमेंस। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड। पहला प्रश्न आप सभी साथियों की स्क्रीन बोर्ड पर छप चुका है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा और जवाब कमेंट बॉक्स में छाप कर बता दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को सुप्रभात, राम राम, राधे राधे। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी लोगों की स्क्रीन बोर्ड पर छप चुका है, ध्यान से मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा साथियों, कॉपी और कलम तैयार कर लीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, हाँ, सभी चीजों को आप लोगों को लिखते चलना है, एक से बढ़कर एक प्रश्न यहां पर लगने वाले हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि मात्रकों से बनने वाले अब तक के सबसे शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर होंगे, तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। मजबूती से देखने के बाद, अस्पष्ट हो जाने के बाद, निश्चिंत हो जाने के बाद उत्तर करिएगा। तो चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सुल्तान, मिथिलेश कुमार, करण, शिखा, तरुण कुमार, राम सेवक जी, माही यादव, अंगद पाल, आप सभी साथियों का उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों देखिए, अगर मापन पद्धतियों की हम बात करते हैं, अगर हम मापन पद्धतियों की बात करते हैं साथियों, तो भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 प्रकार की पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सीजीएस की, हम बात करते हैं एफपीएस की, हम बात करते हैं एमकेएस की और एसआई पद्धति। तो यहां पर पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें सीजीएस की, तो इनका फुल फॉर्म याद करना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड पद्धति। एफपीएस की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म है फुट, पाउंड व सेकंड पद्धति। क्या? फुट, पाउंड व सेकंड पद्धति।
और अगर एमकेएस की बात करेगा तो इसका फुल फॉर्म आप याद करिएगा, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम व सेकंड पद्धति। तो इनका फुल फॉर्म अगर आपने याद कर लिया साथियों मापन पद्धतियों का, तो आपका काम बहुत आसान हो जाने वाला है। तो हमने कहा भौतिक राशियों को मापने के लिए यही चार प्रकार की पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती है। CGS, FPS, MKS को आप यहां पर इस पहले प्रश्न के साथ देख लीजिएगा, हम SI पद्धति की डिटेल में चर्चा दूसरे प्रश्न में करने वाले हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर की, उसके बाद FPS पद्धति में फुट की, MKS में मीटर की, तो ये सभी कुछ लंबाई को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उसी प्रकार ग्राम, पाउंड और किलोग्राम की बात करते हैं तो ये द्रव्यमान के लिए, और यहां पर सेकंड आप देख पा रहे हैं साथी, तो ये समय को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि CGS में लंबाई का मात्रक क्या है तो सेंटीमीटर, CGS पद्धति में ही द्रव्यमान का मात्रक क्या है ग्राम, और समय का मात्रक क्या है सेकंड, उसी प्रकार आप FPS और MKS में भी देख पाएंगे। अब प्रश्न ये बनता है किसमें से किस मात्रक पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये सभी कुछ आप लोग नोट करते चलिएगा, फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, CGS को कहते हैं। इसमें से ब्रिटिश मापन पद्धति के रूप में किसे देख पाते हैं, तो हम किसको देख पाते हैं, FPS को देख पाते हैं। अमेरिकन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स किसे कहा जाता है साथी, तो यहां पर आपको क्या बताना है, यहां पर आपको MKS पद्धति बताना है। यहां पर अगर हम समझाने का प्रयास करें, जैसे हमने कहा कि FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहां पर जरूर नोट करके रखिएगा। चलिए इस प्रकार पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हाँ बीपीएससी की बैच के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी पूजा कुमारी जी। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा लग चुका है आपकी स्क्रीन पर, शानदार प्रश्न है। क्या पूछा गया आप लोगों से, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। यहां पर युग्म फर्स्ट और युग्म सेकंड, यानी कि पेयर फर्स्ट और पेयर सेकंड को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए पेयर फर्स्ट में जो पहली बात लिखी गई है वो क्या है, ऊष्मागतिक ताप का मात्रक सामने लिखा गया है केल्विन। दूसरा यहां पर स्टेटमेंट कह रहा है कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक सामने लिखा गया है मोल। तीसरा कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक सामने लिखा गया है कैंडिला। और आपको यह पता करना है कि इनमें से कौन से युग्म सुमेलित है, इसकी पहचान करके उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में तेजी से छाप के बताना है। जितना ज्यादा हो सके सेशन को साथियों आप लोग शेयर करिएगा, जितना ज्यादा हो सके सेशन को शेयर करने का प्रयास करिएगा। एक बार इस भाषा में भी इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अभी हमने मात्रक पद्धतियों की बात करी, हमने मात्रक पद्धतियों की बात करी साथी, यानी कि यहां पर जो CGS, FPS, MKS आपको बताया गया, उसी के साथ साथ जो आप लोगों को SI पद्धति बताई गई। अब SI पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी साथी, वहीं से यह प्रश्न पूछा गया है। पहली बात तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से, लेकिन यहां पर हमें समझना क्या है, हमें यह समझना है कि SI पद्धति वास्तव में क्या है। ध्यान से देखिएगा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसे पढ़ा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। साथियों कब की बात है, 1960 में किस मापन पद्धति को MKS को ही संशोधित करके, किसको MKS को ही संशोधित करके SI पद्धति को विकसित किया गया। आप पूछेंगे सर जब तीन मापन पद्धतियां CGS, FPS और MKS पहले से मौजूद थे तो SI की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो साथियों ध्यान से सुनना, मापन पद्धतियों में समरूपता लाने के लिए, मापन पद्धतियों में एक रूपता लाने के लिए 1960 में MKS को ही संशोधित करके किसका, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को विकसित किया गया। तो आप कहेंगे सर मापन पद्धतियों में क्या एक रूपता नहीं थी, यहां पर आप देख पा रहे हैं CGS में लंबाई के लिए सेंटीमीटर है, लेकिन FPS में लंबाई के लिए फुट, जबकि MKS में लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन्हीं मापन पद्धतियों में समरूपता, या आप कह सकते हैं कि एक रूपता लाने के लिए, कब की बात है, 1960 की बात है, MKS पद्धति में ही संशोधन करके
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को क्या किया गया था साथी, विकसित किया गया। और अभी तक एसआई ने क्या किए हैं, 7 मूल मात्रक और इसी के साथ साथ 2 संपूरक मात्रकों को व्यक्त किया है। क्या? 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रकों को व्यक्त किया है। अब तेजी से साथियों यहां पर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पहले कॉलम में आप लोग लिखिएगा भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी और इनका एसआई मात्रक एसआई यूनिट साथी आप दूसरे कॉलम में लिखिएगा। अगर भौतिक राशियों में हम लंबाई द्रव्यमान और समय को देखें, देखिए समझते चलिएगा, यहां पर रटना नहीं है साथियों, आप लोगों को सीखना है। अगर बात करेगा लंबाई की, बात करेगा द्रव्यमान की और अगर बात करेगा समय की, तो आप जानते हैं लंबाई द्रव्यमान और समय का एसआई मात्रक यही होगा जो कि एमकेएस में होगा। तो लंबाई का मात्रक एमकेएस में क्या रहा है, तो यहां पर आप लिखिएगा मीटर। उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक आप देख पाएंगे क्या साथी, यहां पर देख पाएंगे किलोग्राम। क्या देख पाएंगे? किलोग्राम आप लोग देख पाएंगे। उसी के साथ साथ समय की अगर बात करेगा तो समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। अब जो चौथी भौतिक राशि है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ध्यान से देखिएगा। अगर बात करते हैं विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक साथी क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर होगा। आगे देखिए, अगर बात करेगा ऊष्मागतिक ताप, ऊष्मागतिक ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन आप बताएंगे। क्या बताएंगे? केल्विन आप बताएंगे। उसी के तहत अगर हम आपको बताएं ज्योति तीव्रता, अगली भौतिक राशि क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक आपसे पूछेगा, महत्वपूर्ण है तो आपको कैंडिला बताना है। साथ ही साथ अगर पदार्थ की मात्रा पूछेगा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या बताएंगे? मोल बताएंगे। तो यहां ध्यान से साथियों आप लोग देख लीजिएगा, जो एसआई के 7 मूल मात्रक है वो कौन कौन से हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ये 7 मूल मात्रक हो गए। साथ ही साथ अगर हम 2 संपूरक मात्रकों की चर्चा करते हैं तो पहली भौतिक राशि यहां पर नोट करिएगा समतल कोण। किसको? समतल कोण। इसका मात्रक आप बताइएगा रेडियन। समतल कोण का यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। जबकि यहां पर अगली भौतिक राशि के रूप में ठोस कोण को आप शामिल करते हुए इसके मात्रक को लिखिएगा क्या? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो यहां पर रेडियन और स्टेरेडियन क्या हो जाएंगे? संपूरक मात्रक हो जाएंगे। तो जहां से प्रश्न साथी पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया है क्या ताप का मात्रक केल्विन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है, क्या पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है साथियों। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है ध्यान से देखिएगा, यहां पर जितनी भी बातें लिखी गई थी वो सब सही प्रकार से सुमेलित हैं, यानी कि यहां पर हमारा पहला भी, दूसरा भी और तीसरा स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से मैच कर रहा है साथी, क्योंकि ऊष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन बताया गया, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल बताया गया और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला बताया गया। और अगर सही सुमेलित विकल्प की पहचान करनी है तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। प्रश्न संख्या दूसरे का सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न संख्या दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को मिल गया ना, एक ही एक चीज बेहतर ढंग से हमारे साथ सीखते चलिएगा भाई। ये चाहे साइंस की बात करें चाहे आर्ट की बात करें, यदि आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठना है और सिर्फ बैठना ही नहीं है उसे निकालना है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संस्थान के माध्यम से लगातार जो क्लासेज चलाई जा रही है साथ ही ये ध्यान रखिएगा आपके हित में चलाई जा रही है, आपके साथ हम पूरी मेहनत कर सके और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके, उसी लिए साथी ये क्लास लगातार इसी रूप में चलती रहेगी। बस आपके प्यार, आपके विश्वास, आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। और हाँ, एक विशेष बात साथियों आप लोगों को हम बताते हैं, देखिए मात्रकों से सभी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग रहे हैं, ऐसे शानदार प्रश्न आगे भी आपको मिलते रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर मात्रकों को डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में इसकी थ्योरी वाले पार्ट से संपर्क कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है साथी तो थ्योरी वाले पार्ट को देखने मात्र से सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तीसरा प्रश्न ये लग चुका है आपके स्क्रीन पर, शानदार प्रश्न है।
करे कि दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, पास्कल होगा, जूल होगा कि वाट होगा। ये सरल सा प्रश्न है, हम पहले इसका उत्तर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान से देखिएगा, दाब का एसआई मात्रक क्या बताएंगे, पास्कल बताएंगे। लेकिन अब यहां पर समझना क्या है साथियों आप लोगों को, देखिए कभी कभी पास्कल ना लिखकर विकल्पों में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा रहता है, क्या विकल्प में ऑप्शन में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा रहता है, तो वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसे मिलेगा इसे समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान से देखना, अगर हम बात करते हैं दाब की, तो दाब की अगर बात करते हैं तो दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल। दाब यानी कि प्रेशर, बल का मतलब फोर्स, या क्षेत्रफल का मतलब एरिया, यानी P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए आप देख पाएंगे। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर बल के एसआई मात्रक की बात करेगा तो न्यूटन, जिसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं, और क्षेत्रफल के मात्रक की बात करेगा तो मीटर स्क्वायर। साथ ही इसे क्या पढ़ा जाता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर पढ़िए या न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर पढ़िए, जिसे क्या पढ़ा जाता है, पास्कल पढ़ा जाता है। फिर समझिएगा, बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर पढ़ा जा सकता है या न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर पढ़ेंगे, और इसी रूप को हम पास्कल के नाम से जानते हैं। क्या, पास्कल के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहीं पर नोट लगा के लिख लीजिएगा, दाब का एक अन्य मात्रक होता है बार, और अगर बार और पास्कल में संबंध पूछेगा तो एक बार बराबर कितना होता है साथियों, एक बार बराबर होता है 1,00,000 पास्कल। कितना, एक बार में 1,00,000 पास्कल होता है। आगे देखिए, यदि हम चर्चा आप लोगों से करें न्यूटन की, तो आप जानते हैं न्यूटन ये तो बल का एसआई मात्रक होता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। क्या, द्रव्यमान गुणे में त्वरण, यानी कि एफ बराबर एम इंटू ए आप बताएंगे। ठीक, अब अगर द्रव्यमान के एसआई मात्रक की बात करेगा तो आपने देखा क्या, एसआई मात्रकों में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जबकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथियों इसी को क्या पढ़ा जाता है, इसी को न्यूटन पढ़ा जाता है। किसे, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन पढ़ा जाता है, जिसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। अब यहां पर भी नोट लगाकर लिखिएगा, देखिए अगर बल का एसआई मात्रक पूछेगा तो आप न्यूटन बताइएगा, लेकिन साथियों बल का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो डाइन आपको बताना है। क्या बताना है, बल का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो आपको डाइन बताना है। और ध्यान रखिए, अगर बल के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में अंतर आपसे पूछा, माफ कीजिएगा, बल के एसआई मात्रक और बल के सीजीएस मात्रक में संबंध यदि आपसे पूछा तो 1 न्यूटन में 10^5 डाइन होगा। फिर सुन लीजिएगा, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, न्यूटन साथी ये एसआई मात्रक है, किसका, बल का, और डाइन बल का सीजीएस पद्धति वाला मात्रक है, और संबंध दोनों में आपके सामने है। यदि हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, यदि साथियों ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ये जूल कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक होता है। तो कार्य की साथी अगर बात करते हैं तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे में विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे में विस्थापन। अब यहां पर ध्यान से देखिए, बल का हमें एसआई मात्रक मिला है न्यूटन, जिसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। विस्थापन का मात्रक मिला है मीटर, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। न्यूटन इंटू मीटर को ही साथी क्या पढ़ा जाता है, जूल पढ़ा जाता है। अब इसी प्रकार यहां पर भी एक बात आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, वो क्या है साथियों, कार्य का एसआई मात्रक पूछेगा तो जूल बताएंगे, लेकिन कार्य का सीजीएस मात्रक आपसे पूछेगा तो आपको अर्ग बताना है। और अगर कार्य के एसआई मात्रक और कार्य के सीजीएस मात्रक में संबंध पूछेगा तो 1 जूल में 10^7 अर्ग होता है। कितना, 10^7 अर्ग होता है। फिर सुनिए, जूल कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक है, जबकि अर्ग आपको सीजीएस वाला बताना है। और अगर वाट की बात करते हैं साथी, तो यहां पर भी ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा, देखिए अगर शक्ति की बात करेगा साथियों तो शक्ति बराबर क्या होता है, कृत कार्य, यानी कार्य बटे में लगा समय, कार्य बटे में लगा समय। अभी आपने देखा कार्य का एसआई मात्रक आपको क्या मिला था, जूल, जिसे हम कैपिटल जे से दर्शाते हैं, और बटे में समय, समय का मात्रक आपको मिला है सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को ही साथी क्या पढ़ा जाता है, वाट पढ़ा जाता है। क्या,
जूल प्रति सेकंड को ही वाट पढ़ा जाता है। तो चारों विकल्पों में लिखी गई बात, चाहे पास्कल की बात करें, ये पास्कल कैसे मिला, किस अन्य रूप में भी इसे हम देख सकते हैं, इसे भी आपको बताया गया। बार और पास्कल में संबंध आपको मैंने बता दिया। न्यूटन किसका मात्रक है, कैसे प्राप्त होता है, और ये जो न्यूटन है, ये जो बल का एसआई मात्रक है और बल का सीजस मात्रक, उसमें संबंध भी आपको बताया गया। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर सी में लिखी गई बात जूल को भी अच्छे तरीके से समझा दिया गया, और कार्य का जो एसआई मात्रक है, सीजस मात्रक को भी अच्छे तरीके से बता देने के बाद वाट को भी यहां पर आपको विशेष तौर पर बताया गया है। तो चारों विकल्प में लिखे गए साथी जो यूनिट्स हैं, जो मात्रक अथवा इकाइयां हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अक्सर इन चारों मात्रकों से प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, लेकिन यदि पास्कल ना लिखकर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिखता तो ये मिलता कैसे, ये भी आपको हमने अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, तेजी से प्रश्न संख्या चौथे की बात करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहां पर चार स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है कि डॉब्सन इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, यानी कि डॉब्सन ओजोन के परत की मोटाई मापने की इकाई है, ऐसा पहले स्टेटमेंट का कहना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बैरल इज यूज टू मेजर क्रूड ऑयल, यानी कि बैरल का प्रयोग क्या कच्चा तेल मापने में किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स इज मेजर्ड बाई क्यूसिक, यानी कि तीसरा कथन कह रहा है कि क्यूसिक के द्वारा क्या द्रवों की मात्रा का मापन किया जाता है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर, यानी कि हॉर्स पावर शक्ति मापने का मात्रक है। और आपको यह पता करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, सही वाले आपको पता करना है, और उत्तर आपको विकल्पों के माध्यम से तेजी से कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कमेंट बॉक्स में साड़ी का किनारा बना दें, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने उत्तर को तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना, कमेंट करके तेजी से उत्तर हम तक आप लोग पहुंचाएं। चलिए, बहुत ही जानदार प्रश्न है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, और हमें लगता है कि अधिकांश साथियों का उत्तर यहां पर गलत होने वाला है। क्या अधिकांश साथियों का उत्तर यहां पर गलत होने वाला है, ध्यान से देखना, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में बहुत इत्मीनान से आपको बैठना है, ठीक है ना। हाँ, बहुत इत्मीनान से आपको बैठना है, जरा सी चूक होगी तो आप अपने उत्तर को गलत कर बैठेंगे, क्या जरा सी चूक होगी तो अपने उत्तर को आप लोग गलत कर बैठोगे। ध्यान से यहां पर देखिएगा, अगर बात करेंगे डॉब्सन की, डॉब्सन एक प्रकार की ऐसी इकाई है साथी जो ओजोन के परत को मापने में प्रयोग में लाई जाती है, क्या ओजोन के परत को प्रयोग में, ओजोन के परत की मोटाई को मापने की इकाई क्या होती है, डॉब्सन होती है। अब ध्यान से सुनना, ये ओजोन लेयर कहां पर मौजूद होती है, अगर एटमोस्फियर का हम साथी लेयर देखते हैं, वायुमंडल के कुछ उप परतों की बात करते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, इसमें स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। ये क्या काम करती है, सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को क्या करती है, अवशोषित करने का काम करती है। अल्ट्रावायलेट रेज तीन प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अब यहां पर तरंगदैर्ध्य के आधार पर साथियों इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। अल्ट्रावायलेट ए के तरंगदैर्ध्य का परास 320 से 400 नैनोमीटर के बीच होता है, अल्ट्रावायलेट बी के तरंगदैर्ध्य का परास 280 से 320 नैनोमीटर के बीच होता है, जबकि अल्ट्रावायलेट सी के तरंगदैर्ध्य का परास साथी 100 से 280 नैनोमीटर के बीच होता है। अब यहां पर ध्यान रखना है, देखिए तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति, आवृत्ति का संबंध ऊर्जा से होता है, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में उल्टा संबंध होता है, इसमें जिसकी तरंगदैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी उसमें ऊर्जा उतनी ही कम होगी। तो जो हमने बताया उसके अनुसार जो यूबीसी है उसमें ऊर्जा सर्वाधिक होती है, लेकिन साथी यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यूबीसी का अधिकांश भाग ओजोन लेयर के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, नहीं तो यूबीसी भी हमारे धरातल तक पहुंचती। और आप जानते हैं यूबी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, ये
बहुत ही ज्यादा खतरनाक जैविक कोशिकाओं के प्रति मानी जाती है। मोतियाबिंद, त्वचा के कैंसर, पेड़ पौधों इत्यादि सभी को नुकसान पहुंचता है। ये पूरी बात आपको हमने ओजोन लेयर से बता रखी है, ठीक है ना। और जब ओजोन लेयर ही पतला हो जाता है तो उसकी मोटाई साथी जो होती है उसको मापने के लिए हम किस यूनिट की सहायता लेते हैं, तो आपको डॉप्सन बताना है। और अगर यंत्र की बात करेगा तो टोटल ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर आप बता सकते हैं, इकाई पूछेगा तो डॉप्सन। लेकिन अगर बैरल की बात करते हैं, देखिए बैरल, इसका प्रयोग क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल मापने में प्रयोग में लाया जाता है। और एक बैरल का आयतन कितना होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक बैरल का आयतन होता है 159 लीटर। कितना होता है, 159 लीटर। तो यहां पर स्टेटमेंट नंबर टू भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर थ्री को ध्यान से देखिएगा। क्यूसेक यानी कि क्यूबिक फीट पर सेकंड, क्यूसेक किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये क्यूसेक किसका शॉर्ट फॉर्म होता है साथी, क्यूबिक फीट पर सेकंड का शॉर्ट फॉर्म होता है। और इसके माध्यम से द्रवों की मात्रा लिख दिया गया था, द्रवों की मात्रा नहीं, द्रवों का प्रवाह मापा जाता है। क्या साथी, द्रवों का प्रवाह मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। और हॉर्स पावर की अगर बात करते हैं तो ये तो शक्ति मापने का ही मात्रक है। और अगर एक हॉर्स पावर की बात करेगा, एक हॉर्स पावर की बात करेगा तो 746 वाट बताएंगे। कितना बताएंगे, 746 वाट बताएंगे। इस प्रकार हमारा पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट ही यहां पर सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाने के बाद हम यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो चौथे प्रश्न का उत्तर जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आया है उन्हीं साथियों का उत्तर सही है। हमने देखा था अधिकांश साथियों ने इस प्रश्न संख्या चौथे का उत्तर गलत कर दिया था। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या बात करते हैं पांचवें की। रेडियो सक्रियता किसमें मापी जाती है, रेडियो सक्रियता ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, अगर बात करते हैं साथी रेडियो सक्रियता की, तो ये क्या होती है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसमें स्वतः विखंडन का गुण देखा जाता है। वो तत्व, वो एलिमेंट स्वतः ही विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जिस तत्व में स्वतः विखंडन का गुण देखा गया, एग्जाम्पल के तौर पर यूरेनियम, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। जो अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं उन्हें रेडियो सक्रिय किरणें कहा जाता है। और यह परिघटना क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता कहलाती है, ध्यान से समझना। अब रेडियो सक्रियता की खोज की अगर बात करेगा तो आपका जवाब आएगा 1896 में, 1896 में हेनरी बैकुरल ने, किसने, हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज करी थी। किसकी, रेडियो सक्रियता की खोज करी थी। और इन्हीं के साथ आगे चलकर 1898 में कौन, मैडम क्यूरी, किसने, मैडम क्यूरी, और इनके पति पियरी क्यूरी भी जुड़ जाते हैं। यानी रेडियो सक्रियता पर कार्य चल ही रहा था तो हेनरी बैकुरल के साथ कौन जुड़ते हैं आगे चलकर, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरी क्यूरी। और फिर ये क्या बताते हैं कि रेडियो सक्रियता ये कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये तो नाभिकीय परिघटना होती है। इसी वजह से साथी रेडियो एक्टिविटी नाम के चैप्टर को रसायन विज्ञान में पढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी में भी पढ़ा जाता है। और ध्यान से समझना, हेनरी बैकुरल, मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी को इनके रेडियो सक्रियता की खोज के योगदान के लिए यानी इसी विषय पर गहन अध्ययन के लिए कब की बात है, 1903 में इन तीनों वैज्ञानिकों को साथ ही सामूहिक रूप से भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या, भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। अब आप यहां पर देखिए, जो तीन प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं, जैसे कि अल्फा, बात करेगा बीटा और बात करेगा गामा की, तो यहां पर अल्फा की प्रकृति कैसी होती है, ध्यान से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अल्फा की प्रकृति साथी होती है धनावेशित, बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है ऋणावेशित, और गामा किरणें कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। अब यहां पर समझिए, अगर हम आपसे कहें कि जो परमाणु के तीन मूलभूत कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यदि उनकी प्रकृति की बात करेगा तो हम अल्फा किरणों को किससे जोड़ सकते हैं, प्रकृति के अनुसार अल्फा किरणों को प्रोटॉन के साथ, बीटा को
किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहां पर गामा किरणों को न्यूट्रॉन के साथ जोड़ा जा सकता है। और जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो रेडियो सक्रियता किसमें मापी जाती है आप क्या बताएंगे? गीगर मोलर काउंटर में मापी जाती है। पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल शानदार जवाब। तो जिन भी साथियों का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ, ध्यान से सुनना, एक एक बात आप नोट करते चलिएगा साथी। ये जो इतनी बातें आप लोगों को बताई जाती है ना, ये इसलिए बताई जाती है कि सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। हाँ, तो अभी क्या क्या आप लोगों को बताया गया? गीगर मूलर काउंटर, रेडियो सक्रियता इसी के माध्यम से मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहा जाता है, एग्जाम्पल क्या है उसका, उसके बाद रेडियो सक्रिय किरणें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, साथ ही साथ रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी, आगे चलकर किनका योगदान देखा गया, कब इन सभी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला और किस चीज का नोबेल पुरस्कार मिला, सभी कुछ आप लोगों को बता दिया गया है। ध्यान से हमारी बातों को सुनते भर चलिएगा, ध्यान से एक एक बातों को सुनते चलिएगा, और अच्छा रहेगा कि आप सारी बातों को नोट भी करते चलिएगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या बात करते हैं छठवें की। क्या प्रश्न पूछा है? सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? बताइएगा, रिक्टर है, हर्ट्ज है, मैक है कि नॉट है? सुपरसोनिक स्पीड को साथी हम निम्नलिखित में से किसमें मापते हैं? सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट आप लोगों से पूछा गया है। प्रश्न संख्या छठवां स्क्रीन बोर्ड पर लग चुका है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और जवाब तेजी से कमेंट बॉक्स में छाप कर बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या छठवां, सुपरसोनिक स्पीड, निक्की कुमारी ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र सिंह ऑप्शन नंबर सी, सक्सीड एजुकेशन आपका जवाब भैया ऑप्शन नंबर डी है, नैवेद्य प्रजापति ऑप्शन नंबर सी, टीपी सिंह, रोहित कुमार, राजेश कुमार जी, दिनेश कुमार सरोज, महादेव प्रसाद वर्मा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। चलिए, बिल्कुल टीपी सिंह जी आपका प्रणाम स्वीकार है, बिल्कुल आपका प्रणाम बिल्कुल सहजता से स्वीकार कर लिया है। चलिए, हाँ, मैक में मेजर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सुपरसोनिक स्पीड हो चाहे हाइपरसोनिक स्पीड हो, ये किसमें मापी जाती है? मैक में मापी जाती है। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये मैक वास्तव में क्या है? अति तीव्र चाल मापने की इकाई है, अति तीव्र चाल मापने की इकाई, अति तीव्र चाल मापने की इकाई क्या होती है? आप कहेंगे सर मैक होती है। सामान्यता, ध्यान से सुनिएगा, सामान्यता अगर हम आपसे कहें तो वायु में यानी किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है ना उसे एक मैक कहा जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल क्या कहलाती है साथी? एक मैक कहलाती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? एक मैक कहलाती है। अब यहां पर आपसे जब पूछेगा कि सुपरसोनिक स्पीड क्या है, सुपरसोनिक स्पीड या सुपरसोनिक चाल क्या है, साथ ही साथ यदि आपसे यहीं पर पूछता है कि हाइपरसोनिक स्पीड क्या है, क्या हाइपरसोनिक स्पीड क्या है, तो इसे आप किस रूप में बताएंगे? सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक मैक से अधिक चाल है, क्या एक मैक से अगर अधिक चाल है, एक मैक से अधिक अगर चाल है साथी, तो सुपरसोनिक स्पीड की संज्ञा दी जाएगी। अगर पांच मैक से अधिक की चाल है तो हम हाइपरसोनिक की संज्ञा देंगे। और सामान्यता जो वायुयान वगैरह होते हैं उनकी चाल साथी हम किस में मापते हैं? मैक में ही मापते हैं। रिक्टर की अगर बात करेगा तो ये भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई कही जाती है, क्या भूकंप की तीव्रता की इकाई, भूकंप की तीव्रता की इकाई साथी किसे माना जाएगा? तो आप लोग रिक्टर बताइएगा, लेकिन अगर इकाई की जगह पर आपसे साथी मशीन पूछा होता तो आप क्या बताते? भूकंप की तीव्रता को मापने का मशीन पूछा होता तो आप क्या बताते?
चलिए हर्ट्ज की बात करेगा साथी तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी साथी किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आप लोग ये भी कमेंट करके तेजी से बता दीजिएगा कि मनुष्य के कान के यानी हमारे श्रव्यता की ध्वनि की जो साथी आवृत्ति होती है, जिन तरंगों की, यानी ऐसी कौन सी ध्वनि तरंगे हमारा कान सुन सकता है, यानी उसकी आवृत्ति का परास कितना होता है। नॉट की साथी अगर बात करेगा तो समुद्री जहाजों की गति, समुद्री जहाजों की गति साथी किसमें मापते हैं, नॉट में मापा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं, प्रश्न संख्या हम बात करते हैं सातवें की, प्रकाश वर्ष पूछा है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। अगला कह रहा है कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में समय लेता है। प्रश्न संख्या सातवां, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और उत्तर तेजी से कमेंट बॉक्स में छाप कर बता दीजिएगा। यहां पर साथी लाइट ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, शानदार प्रश्न है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक बार संख्या भाई 100 के पार पहुंचाइए आप लोग, एक बार शतक लगाइए, कुछ और नए साथियों को जोड़िए, कुछ और कंपटीशन बढ़ाइए। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप से आप लोग जुड़े होंगे इस क्लास के लिंक को वहां तक एक बार आप लोग पहुंचा दीजिए। हाँ चलिए तो देखते हैं भाई, प्रश्न संख्या सातवें का जवाब कितने लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है और कुछ लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, लेकिन अधिकांश साथियों का उत्तर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दिया है। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर क्या होती है, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, ये बिल्कुल गलत बात। अगला प्रश्न कह रहा है, सॉरी अगला विकल्प कह रहा है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों प्रश्न संख्या सातवें का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अब एक बार यहां पर आप लोग बातों को हमारी समझ लीजिए, प्रश्न साथी पूछा जाता है, अगर पूछेगा अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए, अत्यधिक लंबी दूरियों, अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए, मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मात्रक, प्रयोग में लाए जाने वाले, अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अगर मात्रकों की साथी बात करेगा ना, तो इसमें हम किसे शामिल करते हैं, इसमें हम शामिल करते हैं खगोलीय इकाई को। किसको शामिल करते हैं, खगोलीय इकाई को शामिल करते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को शामिल करते हैं, और इसी में साथी हम प्रकाश वर्ष को शामिल करते हैं, प्रकाश वर्ष, और इसी में पारसेक को शामिल किया जाता है। किसको, पारसेक को शामिल किया जाता है। अब एक बार तेजी से इन्हें आप लोग देख लीजिएगा कि ये खगोलीय इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है और पारसेक क्या है। बात कर रहे हैं खगोलीय इकाई की, खगोलीय इकाई जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि इन शॉर्ट एयू के नाम से पढ़ा जाता है। इसी के साथ साथ आपको हम प्रकाश वर्ष भी तेजी से यहां पर एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसे इंग्लिश में लाइट ईयर पढ़ा जाता है, और उसी के बाद आपको यहां पर पारसेक को भी जान लेना है जिसे इंग्लिश में पैरालैक्स सेकंड कहा जाता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर खगोलीय इकाई की बात करेगा तो सूर्यवा पृथ्वी की माध्य दूरी, पृथ्वी की माध्य दूरी साथी क्या कहलाती है, आप कहेंगे सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक खगोली इकाई का मान कितना होता है, 1.495 × 10^11 मीटर, आप बताइएगा। और यहां पर साथी ये मान आपको कितना लगभग मिलेगा, देखिए जब भी दशमलव को आप दाहिनी ओर खिसकाएंगे शून्य की संख्या घटेगी, और बाई ओर खिसकाने के बाद शून्य की संख्या बढ़ जाती है। और हम कह रहे हैं कि यहां पर 1.495 यहां पर जो लिखा गया है
यदि इसे हम 1495 लिख दें, यानी हमने क्या किया, हमने दशमलव को साथ ही यहां से तीन अंक दाईं ओर खिसका दिया, तो जितना खिसकाया है उतना जीरो साथ ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 10^11 से 10^8 रह जाएगा। ध्यान से बातों को समझ लेना, ये सभी काम की बातें हैं आपकी। फिर सुनिए, अगर मीटर में कोई मान दिया गया है उसको चेंज करना है किलोमीटर में, तो मीटर वाले मान में 1000 से भाग लगाते हैं। साथियों ये 1495 गुणे 10^10 कितना रह जाएगा, 5, लेकिन मान कन्वर्ट हो चुका होगा किलोमीटर में, 1000 से भाग लगाएंगे, 1000 में 3 जीरो होता है, 8 - 3 बराबर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहां पर ध्यान से सुनना, 1495 1, 2, 3, 4, और 5 मान किसमें आ जाएगा, किलोमीटर में, इसे काउंट करके देखिए और तब आपको पता चल जाएगा कि सूरज और पृथ्वी की माध्य दूरी कितनी होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 1495,00,000 किलोमीटर, यानी लगभग में कितना बता सकते हैं, लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर, कितना, लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर, ये वास्तव में साथी किसकी दूरी होती है, सूरज और पृथ्वी की माध्य दूरी होती है, क्या, सूरज और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी होती है, जिसकी इकाई के रूप में हम किसे देख पाते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को देख पाते हैं। यहां पर देखिए साथी 1.495 यहां पर लिखा गया है ना, साथ ही साथ इसे हम 1.5 भी लिख सकते हैं, यहां पर 1.49 की जगह पर साथी अगर दो अंक तक ही हम देखें तो 1.5 भी लिखा जा सकता है, गुणे 10^11 मीटर, फिर जिस रूप में लिखा होगा उस रूप में आप वैल्यू कन्वर्ट कर लीजिएगा। हम तेजी से फिर चर्चा करने चल रहे हैं प्रकाश वर्ष की, किसकी, प्रकाश वर्ष की चर्चा करते हैं। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश द्वारा, वो भी कहां पर, निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, एक वर्ष में चली गई दूरी साथी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब निर्वात का मतलब जहां पर कोई भी माध्यम ना हो, तो एक लाइट ईयर का मान कितना होता है, 9.46 × 10^15 मीटर होता है। ये मान जिस रूप में मैंने आपको अभी यहां पर बताया था साथी, उसी रूप में कन्वर्ट करके देखिएगा तो ये मान कितना मिलेगा, 94,60,000,000,000 किलोमीटर मिलेगा, 94,60,000,000,000,000 किलोमीटर मिलेगा। बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड जरूर हम बढ़ा दे रहे हैं, 94,60,000,000,000 किलोमीटर साथी ये दूरी आपको मिल जाती है, मतलब इतनी दूरी निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में तय कर लेता है। और अगर पारसेक की साथी बात करेगा तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई, क्या, दूरी की सबसे बड़ी इकाई यदि आपसे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा ये होता है पारसेक, और एक पैरालैक्स सेकेंड यानी एक पारसेक का मान कितना होगा, 3.08 × 10^16 मीटर, या इसे 30.8 × 10^15 मीटर लिखा जा सकता है। और पारसेक व प्रकाश वर्ष में संबंध कितना होगा, 3.262 प्रकाश वर्ष या 3.25 प्रकाश वर्ष भी कहा जा सकता है। तो साथियों ये दूरी को मापने की यानी अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ मात्रक हैं, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक, इसे आप लोग तेजी से देख लीजिएगा तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर छप चुका है, बढ़िया प्रश्न है साथियों, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, 8वां प्रश्न, ध्यान से आप लोग इसे देखिएगा तभी आप लोग सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। लिखा है डेसिबल, क्या यह ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता की इकाई है, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, यह क्या शक्ति की इकाई है, समुद्री मील, ये नौ संचालन में क्या दूरी की इकाई होती है, जबकि सेल्सियस, क्या ये ऊष्मा की इकाई है। पता क्या लगाना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा साथी करेक्टली मैच्ड नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है, इसे देखिए और तेजी से कमेंट में उत्तर साथियों छाप कर बता दीजिए। चलिए शिव कुमार जी धन्यवाद भैया, हाँ ये दूरी कम होती रहती है और बढ़ती रहती है भैया, लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर ये औसत दूरी बताई गई आपको, किसके किसके बीच में, सूरज और पृथ्वी के बीच में। शानदार प्रश्न है,
प्रश्न संख्या आठवें का जवाब साथियों तेजी से कमेंट बॉक्स में करिए। प्रश्न संख्या आठवें का जवाब, तो जिन भी साथियों का उत्तर ऑप्शन नंबर डी है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर देखिए सेल्सियस ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, सेल्सियस साथी किसकी इकाई होती है, ताप की इकाई होती है, जबकि ऊष्मा की इकाई के रूप में आप किसे देख पाते हैं, ऊष्मा की इकाई के रूप में अभी आप देखिएगा कैलोरी को आप देख पाओगे, और लास्ट में एक क्वेश्चन ऊष्मा के मात्रकों से शामिल किया भी गया है, जबकि डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, और WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 45 डेसिबल का जो साथी ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता होती है ये हमारे कानों के प्रति सुग्राही मानी जाती है, ठीक। और इसके बाद अगर अश्वशक्ति की बात करेगा, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट शक्ति की ही इकाई होती है। समुद्री मील की साथी बात करेगा तो एक समुद्री मील 1.895 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। चलिए तो यहां पर ध्यान से साथियों एक एक बातों को आप लोग नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या बात करते हैं 9 की। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, हम पहले से आपको यहां पर चेतावनी दे दे रहे हैं साथी, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, जरा सी चूक होगे तो इस प्रश्न को भी आप लोग गलत कर जाओगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल समझिएगा भाई, समझिएगा ये प्रश्न आपके बिल्कुल कठिन परीक्षा लेने जा रहा है, ये प्रश्न आपकी एकदम कड़ी परीक्षा लेने जा रहा है, ये अग्नि परीक्षा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा शक्ति की एक इकाई है। दूसरा कह रहा है कि कोलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। तीसरा कह रहा है कि बोल्ट विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि फुट लंबाई या दूरी का मात्रक है। और पता ये करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से, इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही है। विकल्प आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा था केवल पहला व तीसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल पहला तीसरा व चौथा सही है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि केवल दूसरा व चौथा सही है, और ऑप्शन नंबर डी का कहना है केवल पहला दूसरा व चौथा ही सही है। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर छप चुका है, आपकी स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न संख्या 9 लग चुका है, तेजी से इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब कमेंट बॉक्स तक पहुंचाइए। बहुत ही शानदार प्रश्न, में फिर आपसे कह रहा हूं जरा सी भी चूक होगी तो इस प्रश्न को आप गलत कर बैठेंगे। हाँ तो अधिकांश साथियों का उत्तर यहां पर ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, चेक करते हैं भाई, यानी कुछ लोगों का कहना है कि सर पहला दूसरा व चौथा यहां पर सही है, तीसरा यहां पर गलत है, यानी ये किलोवाट घंटा की इकाई शक्ति बताई जा रही है, किलोवाट घंटा की इकाई शक्ति बताई जा रही है। ध्यान से देखना, यहां पर कल ऊर्जा का जो साथी चैप्टर आप लोगों के साथ लिया गया था, ऊर्जा का जो डिस्कशन किया गया था वहां पर शुरुआत में ही आपको बताए थे ये किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है, ये किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। किसकी? ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा की एक और इकाई आप लोगों को बताई गई थी जूल, और एक किलोवाट घंटा और जूल में संबंध कितना होता है, एक किलोवाट घंटा में 3.6 मेगा जूल होता है, 3.6×10^6 जूल आपको बताया गया था, किसमें? किलोवाट घंटा ऊर्जा में सबसे पहले ही हमने बताया था, इसीलिए कल भी हमने ऊर्जा को डिस्कस किया था क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले। साथियों जितनी भी चीजें आपको बताई जाती हैं, चाहे ऊर्जा का चैप्टर खत्म हुआ, मात्रक अथवा इकाइयों का साथी चैप्टर खत्म हुआ, अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको बताया गया, पाचन तंत्र का थियरी वाला पार्ट बेहतरीन तरीके से आपको मिला है, तो प्लेलिस्ट में चाहे PYQs का सेशन आपको देखना हो, चाहे बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हो, थियरी की क्लास चाहिए हुआ, टॉपिक वाइज MCQs आपको चाहिए हुआ, तो ये सभी कुछ प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। डिटेल में वहां पर एक एक बात को समझाया गया है, पर ऐसी गलतियां अगर आप लोग करेंगे तो ये जान लीजिएगा फिर आप एग्जाम हॉल में तो आपको लगेगा कि हमने इस प्रश्न का उत्तर सही कर लिया है, लेकिन जब आंसर की से आप मिलाओगे तो आप कहोगे भैया कि भारी मिस्टेक हो गया, क्या
ये किलोवाट घंटा हमने कहा ये शक्ति की इकाई ना होकर ये किसकी इकाई या किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा के अन्य मात्रकों में जूल को आप देख पाते हैं, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध क्या होता है, एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगा जूल। जबकि शक्ति की इकाई के रूप में सबसे पहले प्रश्न के माध्यम से शायद मैंने डिस्कस किया था, पहला नहीं तीसरा प्रश्न रहा होगा जिसमें आपको वाट के बारे में बताया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। और यहां पर साथी क्या है, ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है। अगर कूलाम की बात करेगा तो कूलाम ये विद्युत आवेश का मात्रक है, यहां पर ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक। आगे बात करते हैं बोल्ट की। देखिए बोल्ट ये साथी विभवांतर का मात्रक है, किसका, बोल्ट ये विभवांतर का मात्रक है। जबकि साथी अगर बात करेगा विद्युत प्रतिरोध तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक अगर आपसे पूछेगा तो ओम आप बताइएगा, क्या ओम आप बताइएगा। यहां पर भाई तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगर चौथे स्टेटमेंट की बात करते हैं फुट लंबाई या दूरी का मात्रक है, तो अभी हमने एफपीएस पद्धति की चर्चा करी थी, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक आपको हमने क्या बताया था, हमने आपको फुट ही बताया था। और एक फुट बराबर कितना इंच होता है साथी, तो एक फुट में साथी लगभग में 12 इंच होता है या 30.48 सेंटीमीटर आप बताइएगा। तो यहां पर सही स्टेटमेंट तो केवल दूसरा और चौथा है और बहुत ही कम साथियों का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आया था। तो आपने देख लिया, आपने समझ लिया कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, मात्रकों से अब तक कैसे प्रश्न साथियों बन सकते हैं, इसे भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। समझिएगा बहुत इत्मीनान से, बहुत मन लगाकर और एक एक चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। देख लिया ना आप लोगों ने कि किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई है, शक्ति की इकाई वाट है, कूलाम साथी विद्युत आवेश का मात्रक है, सही छपा हुआ है, जबकि बोल्ट ये विभवांतर का मात्रक है, जबकि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, फुट एफपीएस पद्धति में लंबाई और दूरी का ही मात्रक है। यहां पर दूसरा और चौथा ही स्टेटमेंट सही होने की वजह से ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। प्रश्न संख्या 10वां, एक पीकोमीटर कितना होता है, भाई आपको क्या बताना है, एक पीकोमीटर का मान कितना होता है, 10^-10 सेंटीमीटर, 10^-12 सेंटीमीटर, 10^-9 सेंटीमीटर या 10^-15 सेंटीमीटर। ध्यान से 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लग चुका है, तेजी से प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में मिल जाना चाहिए। देखिए समय बहुत कम है साथी, मात्र 4 मिनट का समय शेष है और प्रश्न बच गए हैं 5। यहां पर ध्यान से आप लोग देखिए, अब आप थियरी वाले पार्ट से जरूर संपर्क करिएगा, मात्रक और इकाइयों को बहुत डिटेल में समझाया गया है। प्लेलिस्ट का सेक्शन आप देखेंगे तो सबसे ऊपर साइंस वाले सेगमेंट में मेरे सेगमेंट में मात्रक का वीडियो आपको मिल जाएगा, डिटेल में अच्छे तरीके से एक एक बात को स्पष्ट किया गया है। 10 की घातों से साथी प्रश्न पूछा गया, 10 की घातों से प्रश्न पूछा गया है और यह प्रश्न बड़ा शानदार सा है भाई, हमें लग रहा था कि यह प्रश्न थोड़ा सा हल्का होगा। अच्छा उत्तर क्या कर रहे हैं आप लोग, प्रश्न संख्या 10वें का उत्तर क्या कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कुछ लोग बता रहे हैं भाई, और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब समझिएगा, देखिए 10 की घातों को हमने समझा रखा है कि माइक्रोमीटर क्या है, नैनोमीटर क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या है, पीकोमीटर क्या है, फर्मीमीटर क्या होता है, ये सब कुछ समझाया गया है, जरूर देख लीजिएगा आप उसे, क्योंकि यहां पर आप लोग कंफ्यूज ज्यादा हो रहे हैं, यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं कमियां है, उसे दूर करने का समय आ गया है साथियों। तो अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए प्लेलिस्ट में मात्रकों वाले सेक्शन से, मात्रक वाले वीडियो से अभी तुरंत जाकर मुलाकात कर लीजिएगा। देखिए एक पीकोमीटर समझना, वैसे अगर एक पीकोमीटर की बात करता है साथी तो इसका मान कितना होता है, 10^-12, लेकिन ये होता है मीटर में, यहां पर सभी मान लिखा गया है सेंटीमीटर में, और जैसे ही मान मीटर में यहां पर ना पूछकर सेंटीमीटर में पूछेगा तो मीटर वाले मान में 100 से गुणा लगाना है। ध्यान से देखिएगा, 10^-12 लिखा गया है,
लेकिन मान है मीटर में, मीटर से मान चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो मीटर वाले मान में क्या करोगे, 100 से गुणा लगाओगे। अरे 100 का मतलब 10 की घात 2, और जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। 10 की घात माइनस में 12 और प्लस में 2, ये कितना दे देगा, 10 की घात माइनस में 10, लेकिन मान किस में कन्वर्ट हो गया होगा, सेंटीमीटर में। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और भी नैनोमीटर, फर्मीमीटर या एक नैनोग्राम क्या होता है, पीकोग्राम क्या होता है, ये सभी कुछ वहां से जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ हाँ, यहां पर गलत हो रहा है, इस वजह से आप लोग अच्छे तरीके से उसे जाकर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, यहां पर 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर छप चुका है। देखिए, कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। यहां पर कह रहा है कि भाई सूची फर्स्ट में कोण लिखा गया है, चुंबकीय लिखा गया है यानी चुंबकत्व, चुंबकीय फ्लक्स लिखा गया है और ठोस कोण लिखा गया है। सूची सेकंड में इनके मात्रकों को रखा गया है, रेडियन, टेस्ला, बेबर और स्टेरेडियन। ध्यान से पढ़िए और उत्तर यहां पर विकल्पों के माध्यम से दीजिए हमें। प्रश्न संख्या 11वां शानदार प्रश्न है साथियों, ध्यान रखिएगा। और ऐसे प्रश्न आपने देखा था कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, गलती ना हो इसके लिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट तो होता है, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अरे प्रैक्टिस तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जीत उसी की होगी जिसकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी, जिसकी प्रैक्टिस दमदार होगी। देखिए, यहां पर आप लोग असफल हुए हैं, कई सारे प्रश्नों का गलत उत्तर आपने किया है, तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, इसे एक चुनौती के रूप में आप लोग स्वीकार करिएगा। मैंने चुनौती बोला है साथी, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मजबूती से काम करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो ये मानकर चलिए कि सिलेक्शन के बहुत करीब आप पहुंचेंगे। और जितना ज्यादा रिवाइज करते रहेंगे, लगे रहेंगे, अपने समय का महत्व समझेंगे, जानेंगे और ऐसे प्रश्नों को मजबूती से सावधानी से हल करेंगे, तो ये मानकर चलिएगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है भैया। 80-85 तक स्कोर तो हो जाएगा जीएस में, लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदी कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। फिर आप लोग वहां पर 40-45 हुआ तो नैया डूब गई, यहां पर अगर 60-65 हुआ तो नैया डूब गई। इसका मतलब क्या है कि शानदार स्कोर हो, इसकी वजह से सारा काम बहुत मजबूती से आपको करना है। देखिए, समतल कोण का मात्रक आपको बताया गया रेडियन, वहां पर एसआई के दो संपूरक मात्रकों को हमने दिखाया आप लोगों को। चुंबकत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बेबर। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों प्रश्न संख्या 11वें का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए, 11वें प्रश्न के साथ आज का सेशन साथियों हम यही पर समाप्त करना चाहेंगे। समय हो चुका है आपकी पॉलिटी वाले क्लास का, तो जहां पर कमियां हुई हैं उसे आप लोग सुधार करिएगा। बिल्कुल प्रगति शुक्ला जी बिल्कुल तैयार हैं, पॉलिटी विषय के साथ बहुत जल्द करेंगे आप लोगों से मुलाकात। जितना ज्यादा हो सके क्लास को आप लोग शेयर करिएगा। बिल्कुल भैया अंबेडकर जी, हम भी अपना ध्यान रखेंगे और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा, एकदम मस्त रहिएगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए व्यस्त रहिएगा, यानी पढ़ाई लगातार आप लोग करते रहिएगा। संस्थान ने जो प्रबंध आपके लिए किया है, सुबह से शाम तक जो क्लासेस साथी आप लोगों को मिलेंगे उसके साथ जुड़िए। एक एक एजुकेटर जिस तरीके से आप लोगों के साथ काम कर रहा है, जिस मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ आपके साथ लगा है, बस उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। कहा जाता है कि भाई कैसी है तू, जो शायरी है, तू जरा साथ दे तो और बात है, वो कैसी है, पहली लाइन। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है मैं कल इसे रिपीट करूंगा, ठीक। तो चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप सभी लोगों ने अंत तक साथ बनाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। तो खुश रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। हम मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।